Hello, my dear friends. In this video lecture, I will tell you about Cushing syndrome, which is one of the syndrome which is caused due to hypersecretion of adrenal cortex hormones. So, in my last lecture, I told you about hyposecretion of some hormones like glucocorticoids and mineralocorticoids. And today in this lecture, we are going to discuss about the hypersecretion of adrenal cortex hormones. So, hypersecretion means there will be overactivity. Hypo means underactivity, and here it means overactivity. So, due to overactivity, which may be due to formation of tumor in adrenal cortex. समटाइम्स स्टूडेंट्स ऐसा देखा गया कि जो ओवर एक्टिविटी है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड की, वहाँ के जो भी हार्मोन्स हैं उनकी वजह से कभी कभी ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर. और ट्यूमर दो तरीके का होता है, मैलिग्नेंट और बेनाइन. उतना मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं एक कैंसर पे सेपरेट वीडियो डालूंगी तो उसमें मैं आपको ट्यूमर के बारे में डिटेल में बताऊंगी. तो यहाँ पे आप ट्यूमर ऐसा समझ सकते हैं, इट इज अ मास ऑफ सेल. अब वो कैंसरस भी हो सकता है और नॉन कैंसरस भी हो सकता है, तो इसको डिटेल में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स होंगे कुशिंग सिंड्रोम में. किसी पर्सन में अगर कुशिंग सिंड्रोम है तो क्या सिम्टम्स होंगे. तो पहला सिम्टम तो स्टूडेंट्स ये है, यहाँ पे जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसका ओवर सिक्रीशन होगा. कॉर्टिसोल हार्मोन्स विल बी ओवर सिक्रीटेड एंड एबनॉर्मल ओबेसिटी होगी. थिन एंड वीक लिम्ब मसल्स होंगे. जो लिम्ब की मसल्स हैं वो थिन होंगी, वीक होंगी. थिन एंड वीक लिम्ब मसल्स. और यहाँ पे जो है एबनॉर्मल ओबेसिटी, थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं एबनॉर्मल ओबेसिटी. एंड ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ जाएगा उस पर्सन का. उस पर्सन में जो है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर. और अगले सिम्टम की अगर हम लोग बात करें तो जो हेयर ग्रोथ है बॉडी में वो बढ़ जाएगी. एबनॉर्मल या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज्ड हेयर ग्रोथ. एंड सोडियम लेवल भी यहाँ पे हाई हो जाएगा ब्लड में. एन ए प्लस लेवल इन ब्लड इट विल बिकम हाई. जबकि मैंने आपको अपने कल वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बताया था अबाउट एडिसन्स डिजीज, और वहां पे जो सोडियम का लेवल था ब्लड में वो कम हो रहा था ओवरऑल वहां पे हाइपोसिक्रीशन की कंडीशन थी. सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपरसिक्रीशन ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स. और अगर मैं आपको यहाँ पे कॉर्टिसोल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ स्टूडेंट्स कि कॉर्टिसोल क्या है. सो दिस इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ये भी एक हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेन हार्मोन है ये, जो कि बॉडी में मिलेगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू और इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस कुशिंग सिंड्रोम. आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू मच डिटेल बिकॉज सो मेनी टाइम्स ओनली बेसिक क्वेश्चन विल कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. आई होप वी विल मीट सून विद अ न्यू टॉपिक. Stay tuned to my channel. Thank you.